2014 के पहले चुनाव के भाषण होते थे, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, ये फलाने जाति का था, समाज को ऐसे बांटा, समाज में इस तरीके से विभाजन हो रहा है। यानी राजनीति का मतलब था भाई को भाई से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, गांव में नदी के उस पार को इस पार से लड़ाओ, और हो सके तो समाज को विभाजित करके अपना काम निकालो और अपने वोट को साधने का प्रयास करो। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति के क्षितिज पर आए हैं, तब से राजनीति की संस्कृति बदल गई। अब राजनीति में जो भी राजनेता आता है वो इधर उधर की बात नहीं कर सकता है, उसको बताना पड़ता है कि उसने पिछले 5 साल में क्या काम किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है और अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने की ताकत रखता है। ये इस बात का सूचक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब अगर आपको अजंता के बीच में जाना हो तो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाना होगा, और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, फिर चाहे वो एक पंच का प्रधान हो, एक पंचायत का प्रधान हो, एक जिला परिषद का सदस्य हो, एक विधानसभा का विधायक हो, एक संसदीय क्षेत्र का सांसद हो, या वो किसी सरकार में मंत्री हो, वो छाती ठोक करके बोलता है चुनाव में कि मैंने जनता के लिए ये अच्छे काम किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस बात को ध्यान रखना। मित्रों, अभी रामनारायण जी ने आपके सामने बांका के क्षेत्र के विकास के काम देखा है। इनसे नीतीश कुमार जी को एक शिकायत रहती है, नीतीश जी को शिकायत ये रहती है कि आप मंत्री बिहार के हैं पर आप मिलते बांका में, और रामनारायण जी की शिकायत रहती है कि हम काम बिहार का करेंगे लेकिन बांका को कभी भूलेंगे नहीं, वहीं पर हम जिएंगे, वहीं पर हम मरेंगे, उन्हीं के लिए हम काम करेंगे। ये अंतर है। आज मैं भी आपके सामने आया हूं आपको याद दिलाना है, 2015 में मोदी जी ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज। जब उस समय दिया था तो कहा था कि ये हमारे विरोधियों ने, लालू प्रसाद यादव ने कहा था ये चुनावी जुमला है, हमारे विरोधियों ने कहा था ये संभव नहीं होगा, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज कैसे देंगे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज ही नहीं दिया है, इसके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पैकेज दिया है, एक्स्ट्रा काम करके दिया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं शिक्षा पर, 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं स्वास्थ्य पर, इस 600 में दरभंगा का एम्स नहीं है, इस 600 में बांका का मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज बांका के मेडिकल कॉलेज की जमीन की व्यवस्था आप करेंगे, बना करके मैं दूंगा, भारत सरकार लेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। उसी तरीके से 54,000 करोड़ रुपए सड़कों पर, ये जो 4 लेन 3 लेन 6 लेन की आप बात करते हैं, 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बिजली हमारे ब्रिजेस पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, एयरपोर्ट पर 2,700 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और इन सब के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए अलग से पैकेज के लिए दिया गया है। मैं जो लोग जुमले पढ़ते हैं वो जुमले ही पढ़ते हैं, नई तस्वीरें खींचते हैं। आज आरजेडी से मैं पूछना चाहता हूं और आरजेडी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम बताओगे आज जो तुम, जिसको हम जंगल राज उस समय कहा करते थे, आज जंगल राज से निकल करके हम बाहर आ गए, आज कानून का राज हो गया, ये काम हम भूल सकते हैं क्या? क्या आप भूल सकते हैं कि आज का बिहार का डीजीपी
श्री गोपालगंज का डीएम कृष्णैया दलित डीएम दलित था, उसको गोपालगंज से पटना आ रहा था, गाड़ी से निकाल करके उसको मार दिया गया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। 1985 बैच का आईएएस ऑफिसर था और लोगों ने कहा ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये कौन सा युग था, ये कौन सा जंगल राज था। मित्रों याद रखना, आज ये जो तुम उजाला देख रहे हो ना, आज जो ये विकास देख रहे हो ना, विकास की कीमत तब समझ में आती है, उजाले की कीमत तब होती है जब अंधेर के कहर को भी समझने की ताकत है। अंधेरा क्या होता है इसको भी समझो। और मुझसे ज्यादा बिहार मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। मुझे भी मालूम है कि मैं कॉलेज के दिनों में डाक बंगला चौराहा पर रात को 10 बजे पान खाने के लिए लोग आया करते थे, चाय पीने के लिए आया करते थे। मुझे याद है रमना रोड के चौक पर आकर के हम कॉफी पीने के लिए वहां जाया करते थे। रात को बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और रात को नींद आती थी तो हॉस्टल से निकल करके हम सब लोग रमना रोड में चाय पीते। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि शाम के 6 बजे भी डाक बंगला चौराहा पर खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लूट लिए जाते थे। मैं पिछले 2010 के चुनाव में गया, ये बेतिया में मैं गया था, हमारे संजय जायसवाल जी, मैं उन दिनों महामंत्री था, महामंत्री जब रहता था तो मैं मंच पर कभी नहीं चढ़ता था, मैं जनता के बीच में जाकर के खड़ा हो जाता था, जनता की आवाज सुनता था कि जनता क्या कहे। एक आया नौजवान बड़ा खुश था, कहने लगा इतनी बार हम नीतीश के वोट देंगे। हम बोले नीतीश के वोट का है जवाब भाई, कौन सी खास बात। अगर उसका बिहारी में जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसका अर्थ यह था कि साइकिल से आए बानी, साइकिल से मैं आया हूं शाम के वक्त का और साइकिल से घर लौटे। अगर लालू का जमाना रहता तो साइकिल नहीं रहती, साइकिल लोग लेता रास्ता में लोग, ये उस समय के बारे में एक कॉमन आदमी। मैं आपको साधारण